We want request to push switch on, and then we can start. Question number one, more than one correct options, okay? Two concentric shells of radius R and 2R, having charges Q and QB, of potential 2V and 3V by 2. So potential of A kitna hai? 2V hai. And potential of B kitna hai? 3 by 2V. Now after that, shell B is Earth. So potential 0 ho gaya. And let the charges finally be QA dash and QB dash. Barabar. So QA and QB chahiye pehle case mein. पहले केस में QA और QB का वैल्यू कितना है? तो इनिशियली इफ आई टेल यू दे आर चार्जिंग QA एंड QB, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज पोटेंशियल एट A को लिखना है? अगर इधर चार्ज है QA और इधर चार्ज है QB एंड इसका रेडियस इज R एंड 2R, कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल एट A क्या होगा? K QA बाय और के क्यू बी बाय टू आर विच इज इक्वल टू टू वी इज गिवन इन द क्वेश्चन. एंड सेकेंड वाला क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल एट बी जो है क्या रहेगा? के क्यू ए बाय टू आर होगा और दूसरा वाला के क्यू बी बाय टू आर होगा. एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 3 बाय 2 वी. बराबर क्या सही है ना? कैन आई से अगर इसको सॉल्व करने जाए हम लोग तो क्यू ए और क्यू बी का रेशियो कितना आएगा? तो अगर मैं यहां से इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ देम टू और थ्री बाई टू क्यू और क्यू बी साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. सही है? साइमल्टेनियसली अगर हम लोग सॉल्व करें क्यू और क्यू बी का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा ना. इफ आई कंसिडर इक्वेशन नंबर वन एंड इफ आई कंसिडर दिस इक्वेशन नंबर टू एंड इफ आई सब्ट्रैक्ट टू बाई वन के क्यू बी बाई टू आर के क्यू बी बाई टू आर कैंसिल हो गया. बराबर है क्या? हेलो टू माइनस वन किया आप लोगों ने तो क्या हो गया? के क्यू ए बाई टू आर माइनस के क्यू ए बाई आर क्या होता है? माइनस के क्यू ए बाय 2R will become equal to minus half V. बराबर क्या? So K QA by R कितना हो गया? V हो गया. सही है क्या? Yes sir. So K QA by V, if I substitute this in one, क्या हो जाएगा? K QA by R is V, तो ये V हो जाएगा. तो K QB by R की QB by 2R कितना हो जाएगा? V हो जाएगा. सही है क्या? So, oh sorry, ये क्वेश्चन नंबर 3 पकड़ता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 पकड़ता है. अभी क्या चाहिए आपको? QA by QB मांगता है. क्या हो जाएगा? K QA by QB, it will become, what will become? 2-1. नहीं, हाफ हो जाएगा. सही है क्या? देखो डिवाइड करके देखो ना. अरे ये डिनोमिनेटर में 2 है ना भाई. हेलो समझा क्या? डिवाइड किया ना मैंने के क्यू ए बाय आर अपॉन के क्यू बी बाय 2R बिकम 1. ये हाफ इधर गया तो 2 बन गया ना, तो क्यू ए बाई क्यू बी हाफ बना. बराबर है क्या? हाफ उधर जाएगा ना. तो सही ठीक है. ये तो ये क्यू ए बाई क्यू बी मेरे को हाफ मिल गया, ये पहला वाला ऑप्शन. सही. अब ये बोल रहा है अगर अर्थ करते हैं बाहर वाले को, तो अगर अर्थ करेंगे तो मुझे पता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम लोग अर्थ करते हैं तो ये जो चार्ज रहेगा क्यों है ना,
और ये जब अर्थ करते हैं, मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ का जो चार्ज बनेगा माइनस क्यू है और यहाँ का चार्ज नहीं, देख लेते। मैंने आपसे कहा था पोटेंशियल जीरो अगर होगा तो इंडक्शन नेगेटिव होगा। अगर आपको देखना है तो आप सॉल्व कर सकते हो। आपको पोटेंशियल ऑफ जीरो, पोटेंशियल ऑफ बी को जीरो पकड़ना पड़ेगा, यस और नो? इफ आई कंसिडर दिस टू बी दिस मच, तो कैन आई से दिस विल बी क्यू अर्थ ना, यहाँ से कुछ अर्थ वाले चार्जेस आके इसको नलिफाई कर देंगे। बोलो। Yes, तो how will I write that potential at B will become zero? K Q A by 2 R plus K Q E by 2 R has to become zero. That means अगर आप देखो ना, Q A is minus Q हुआ कि नहीं? Q A will become minus Q E, सही है क्या? Yes, sir. मतलब ये वन नहीं होगा, ये माइनस वन होगा, ये रॉन्ग है, दे शुड बी माइनस वन। बराबर क्या? अरे भाई बोलो यार, फिर क्या बोल रहा है? पोटेंशियल ऑफ ए आफ्टर अर्थिंग बिकम्स डी बाई टू बी। प्रिंसिपल ऑफ जेनरेटर, प्रिंसिपल ऑफ जेनरेटर क्या बोलता है? जब तक अंदर वाले को चेंज नहीं करते तब तक पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन चार्ज इनसाइड। क्या अंदर वाला चेंज हुआ है क्या चार्ज? अंदर वाला चार्ज चेंज नहीं हुआ है, बाहर वाला चेंज हुआ है। तो कहना इसे इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? अरे भाई ये इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है 3/2, 2V - 3/2V, बराबर है। अब भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जीरो है ना, बाहर का जीरो हो गया। अरे इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस और 2V - 3/2V, देखो ना क्वेश्चन के मुताबिक। एंड फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? VA - VB-, बट VB- तो अर्थ है। हेलो, यस सर। ठीक, कितना होगा VA- कितना हो जाएगा? हाफ V। सही है क्या? हेलो, यस सर। ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी आफ्टर अर्थिंग बिकम वी बाई टू, हाँ ये सही है। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ जेनरेटर, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग, इंडक्शन इंडक्शन सब इसमें आ गया। ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हम लोग, कुछ नया तो है नहीं। सो यू कैन जस्ट इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। आई एम कंप्लीटिंग मैथ्स द कॉलम एंड मल्टीपल चॉइस एंड कॉम्प्रिहेंशन टाइप टुडे। सो नेक्स्ट टाइम वी कैन स्टार्ट विद सब्जेक्ट, मैंने उसको खत्म करके We can jump to capacitors, बराबर है? Okay, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे question, question number two क्या कह रहा है? Question number two आपसे क्या कह रहा है? ध्यान देना। A uniform charge non-conducting sphere of radius r naught and charge density rho centimeter coulomb per meter cube has. Okay, अब मेरे को क्या क्या चाहिए? पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मांगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, नो फील्ड इनसाइड द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहिए मेरे को। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेशन करने के लिए अब यहाँ पर देखो तीन चीजें पूछा है। आर इज ग्रेटर देन आर नॉट, मतलब ही इज आस्किंग यू फॉर आउटसाइड, ही इज आस्किंग यू ऑन द सरफेस एंड ही इज आस्किंग यू इनसाइड, बराबर क्या? Yes, sir. यही सब है। और चार्ज डेंसिटी जो है वो खाली रोई है क्या? चार्ज डेंसिटी कितना दिया है? रो कूलम पर दिस मच, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ओके ठीक है, तो मेरे को फॉर्मूला तो आता ही है ना बाहर का और अंदर का। चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है ना बेटा, फॉर्मूला तो सबको आता ही है। बोलो यार फॉर्मूला, बोलो। चलो आउटसाइड के लिए KQ/R² ना? Yes, अरे टेल मी, मगर यहाँ पे रो के टर्म्स में निकालने गए तो ठीक है, रो के टर्म्स में व्हाट इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट, बोलो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा ना ये।
बड़ो आर क्यूब हाँ बेटा, क्यू की जगह लिखेंगे रू इन टू फोर बाई थ्री पाए बड़ो आर क्यूब। ई क्या हो जाएगा, के इन टू के इज वन अपॉइंट फोर पाए एप्सिलॉन नॉट, क्यू विल बिकम रू इन टू फोर बाई थ्री पाए आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। सही है क्या, ये फोर पाई कैंसिल हो गया, कितना आता है रो बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट बराबर आर क्यूब बाय आर स्क्वायर। डू यू अग्री? यस सर। ये तो आ गया ना, यही तो है, एंड विल बी रेडियली आउटवर्ड होंगे ना। अरे इतना आता है क्या? हेलो यस सर, कोई बता सकता है पोटेंशियल अलोंग द सरफेस क्या होगा? इसमें ही फॉर्मूला पोटेंशियल अलोंग द सरफेस बनानी जाएगी, तो छोटो आर इज रिप्लेस बाय बड़ो आर, कितना हो गया ये भी सही है, ये भी सही है सर ऑन द सरफेस। अब ये इनसाइड का फॉर्मूला क्या है? भूल जाना ग्रेविटेशन के क्यू आर बाय के, क्यू की जगह क्या लिखने का, वही जो लिखा है हम लोगों ने रो इन टू फोर बाई थ्री पाई आर क्यू आर क्यू के इज वन अपॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आता है ये रो बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट आर ना। हेलो कितना आएगा, रो बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये आ रहा है क्या? यस सर, ये तो रॉन्ग है ना। अच्छा एट अ डिस्टेंस आर बाय टू तो भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे कुछ अलग ही दिया है बराबर है क्या? ये बोले आर इज आर नॉट बाई टू, तो इधर की जगह आर बाई टू पुट कर सकते हैं, मगर तो भी आंसर आपको नहीं आएगा। गेटिंग इट और नॉट? यस सर। तो ये सब चीजें मैनिपुलेट करने आपको आती है। क्वेश्चन नंबर थ्री पर आते हैं, ध्यान देना। At a distance of 5 and 10 centimeter from the surface of a uniformly charged solid sphere, the potentials are 175. Then, ठीक है, कहाँ पे 100 की तरह? At a distance of 5 centimeter and 10 centimeter from the surface. हाँ तो ठीक है, तो ये R है, एक कॉन्सेप्ट है फ्रॉम द सरफेस, मतलब 5 सेंटीमीटर यहां से, इसका पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट है, और दूसरे वाले का कितना है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस, पोटेंशियल इज 75 वोल्ट। बोलो यस सर, देन द पोटेंशियल ऑन द सरफेस एकदम इजी है, तो सम कैन आई से 100 विल बिकम इक्वल टू के क्यू बाय आर प्लस 5। अरे भाई बोलो, 75 will become equal to KQ by R plus 10, दो अननोन दो इक्वेशन Q और R मिलेगा, कि जो भी दिया है वो निकाल सकते हो। बोलो हेलो 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 यस ऑन करेक्ट है ना, इजी है, Q और R मिलेगा और जो भी स्पेसिफिकेशंस मांगता है आपको आप कर सकते हो, तो कुछ इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। Accordingly, we can do. Okay. Question number 4 जो है उसका last time मैंने सिखाया था, ये याद है वो दो ऐसे अलग अलग थे ऐसे, याद है M1 is equal to M2, देखो वही चीज है यार, M1 M2 L1 L2 याद है, अरे किया था ना यार ऐसे कुछ, ये बैलेंस करना T cos theta, M G T sin theta, फिर डिवाइड मारो tan theta, वो ये सेम टाइप का समय तो वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5
charge q1 and q2 lies inside and outside respectively of closed surface. The electric field and the flux. Yaar malum hai Gauss theorem mein maine bataya tha, kya bataya tha? Integration of e bar dot ds bar is equal to q enclosed by epsilon naught. This is due to which charge? Enclosed. And this is due to which charge? याद है सिस्टम में बताया था मैंने आप हेलो वेदर दिस इज इनसाइड और आउटसाइड उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड सबका इफेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबके पास होता है तो सब इफेक्ट करेगा ही ना ऊपर बाहर का करेगा अंदर का नहीं करेगा ऐसे होता नहीं है ये है तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिपेंड ऑन बोथ द चार्जेस क्यू वन क्यू टू वेदर इट इज लाइंग इनसाइड और आउटसाइड बट क्यू जो है वो दैट विल डिपेंड ऑन ओनली क्यू एनक्लोज्ड तो क्या बोल सकते हो आप लोग हेलो क्या बोलते हैं देखो Q1 अगर चेंज होगा Q1 कहाँ है मैं बना लेता हूँ यहाँ पे Q1 is inside and Q2 is outside अच्छा Q1 Q2 अगर दोनों चेंज करेंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज बट फ्लक्स डिपेंड्स ऑन व्हाट ओनली मालूम है ना अरे भाई ये मालूम है क्या ये गॉस थ्योरम है ना अपना तो दैट विल डिपेंड ऑन क्यू एनक्लोज्ड होंगे यार तो इजी है ना यार फ्लक्स विल डिपेंड ऑन फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है क्यू वन बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिपेंड ऑन बोथ ऑफ देम तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी एक चेंज करेंगे तो हो जाएगा तो क्या है आंसर जरा देखो सुना है यार तुम लोग है If Q1 changes, both E and phi will change. बहुत सही. If Q2 changes, E will change, but phi will not change. ये भी सही है क्या? Yes sir. C वाले का क्या ख्याल है? If Q1 changes, Q1 becomes zero. Then phi is zero. Then E1 is not zero. ये भी सही है. Yes sir. If Q1 is not zero and Q2 is zero, E is zero. E zero नहीं है, because E इसके कारण तो है ही ना. ये रॉन्ग है सही है क्या yes, ये तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है फटाफट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको तो ये चीज सब सॉल्वड है आपके लिए ओके इट वाज डन इनिशियली क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर मालूम है डाइपोल अगर रखा है किधर भी तो लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर ही चालू होके अंदर ही खत्म हो जाएगा अरे डाइपोल जब होता है यार yes, sir. तो अगर एक बॉक्स के अंदर या स्पेयर के अंदर एक डाइपोल रखा है प्लस एंड माइनस तो लाइंस ऑफ फोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड एंड टुवर्ड्स हियर ओनली ऐसे ही होने वाले तो उसे को जो द फ्लक्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्पेयर द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम जीरो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है ना डाइपोल का अलोंग द एक्सिस अलोंग द इक्वेटर तो जीरो कैसे हो अरे भाई बोलो यस सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एनीवेयर ऑन द स्फीयर बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड तो एट एनी पॉइंट भी आया था हमने तीन फॉर्मूला याद किया था एक्सिस इक्वेटर एनी रैंडम पॉइंट यार भूल जाते हो तुम लोग हेलो मैग्नेटिज्म में भी किया ना बी इक्वेटर बी एक्सिस बी एट एनी रैंडम पॉइंट किया गया मैग्नेटिज्म सर ने पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया आगे आएगा ठीक है हाँ तो होता है जैसे बी होता है वैसे ई होता है या ई होता है वैसे बी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन द सर्किल ऑफ द स्फीयर नो इट इज नॉट जीरो हाउ कैन इट बी जीरो क्या बोल रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी रैंडम पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा चलो आगे बढ़ते हैं मार्क द करेक्ट ऑप्शंस क्या बोल रही है गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम The electric field is calculated by Gauss law as the field due to all charges. The flux of electric field through the closed surface due to all the charges is equal to the flux due to charges enclosed by the surface. क्या आंसर क्या है बोलो यार करेक्ट स्टेटमेंट गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं यस सर इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार इंटीग्रेशन का मतलब नॉन वेरिएबल होगा ही हेलो बोलो Yes, sir. It is valid for symmetric charge distribution.
ये तो क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हिसाब से सही नहीं है। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम, नहीं एप्सिलॉन है ना, मतलब एप्सिलॉन नॉट के भी डाल सकता हूं मैं। यार बोलो ई बार डॉट डी एस बार इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब वेरिएबल चीज का बारे में हुआ, तो बाय एप्सिलॉन नॉट के भी हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है, तो हो सकता है सर, क्या फर्क पड़ता है। The electric field is calculated by Gauss law is the field due to all charges. ये सही है. Is the field due to all charges. ये सही है. The flux of electric field through the closed surface due to all the charges equal to flux through the charges enclosed by the surface. ये भी सही है. Hello. Yes sir. ठीक है यार, ये सब theory में पढ़ते रहना वो सब. Okay. क्वेश्चन नंबर 8 इज सिंपल ओनली, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम लोग, मजा आने वाला है देखो। इधर बस ये दो चार क्वेश्चन है फिर कॉम्प्रिहेंशन चालू करते हैं फटाफट। अभी इजी आ गया, मतलब अभी वो लेवल आ गया कि हमको अभी सब समझ में आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है बेटा। मेरे हिसाब से और प्रैक्टिस लेक्चर होगा ना तो और फर्क पड़ेगा, सीरियसली फर्क पड़ेगा। ओके जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा, रादर देन सिटिंग एट होम एंड डूइंग नथिंग, इसे जाइए एक घंटा प्रैक्टिस लेक्चर पढ़ लीजिए। ओके तो उससे हेल्प करेगा आपको और कुछ नहीं। अ रॉड इज हिंज्ड एट द सेंटर ओ एज शोन इन द फिगर, ये हिंज की है, हिंज मतलब घूमने वाला समय, रोटेशनल मोशन कुछ होगा, कपल वपल। ओके टू पॉइंट चार्जेस क्यू एंड प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, दोनों जगह प्लस क्यू है, आर केप्ट एट टू एंड, तो ये भी क्यू है और ये भी क्यू ही है। रॉड इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, इसके ऊपर भी एक फोर्स एक्ट करेगा QE, और इसके ऊपर भी एक फोर्स एक्ट करेगा QE। अरे यार कपल तो बना ही नहीं, अरे बोलो यार। कपल बनने के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होना चाहिए, तो होने वाला नहीं है। दैट मींस हिंज पे एक नेट फोर्स इधर लगेगा, हिंज फोर्स कितना लगेगा, सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट ना बेटा। अरे भाई बोलो, नेट फोर्स ऑन द हिंज, नेट फोर्स फ्रॉम द हिंज ऑन द रॉड इज जीरो। नो यार क्या बात कर रहे हो, हिंज फोर्स इज टू क्यू ई, नेट फोर्स फ्रॉम द हिंज ऑन द रॉड इज लेफ्ट वर्ड, हाँ लेफ्ट वर्ड तो है ही, दैट इज टू क्यू ई, बराबर क्या। इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड इज न्यूट्रल, इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड इज स्टेबल, क्या बोल सकते हो, अगर मैं रॉड को थोड़ा, ये रॉड को अगर मैं टेढ़ा कर दूं, बिकॉज इक्विलिब्रियम पहचानने के लिए टेढ़ा करना पड़ेगा ना, मालूम है ना सबको, डिस्प्लेस करने का कॉन्सेप्ट है। अरे यार कुछ बोलते नहीं हो, तो अगर मैं ये रॉड को ऐसे टेढ़ा कर दिया, इधर कितना फोर्स एक्ट करेगा, इधर भी कितना फोर्स एक्ट करेगा, अभी भी नेट फोर्स जीरो है भाई बोलो। यस सर, मतलब न्यूट्रल है ना, किधर भी रखो उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो बॉल का एग्जांपल, किधर भी रखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इक्विलिब्रियम पहचानना है तो आपको मालूम है कि कॉन्सेप्ट ये है कि डिस्प्लेस करना पड़ेगा, बस ये यही चीजें याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं करना। ये तो नहीं है, ठीक है, स्टेबल नहीं होगा, ये स्टेबल क्या करेगा, अपनी जगह पर वापस आने की कोशिश करेगा, अनस्टेबल होगा तो भागने की कोशिश करेगा अपनी जगह से, यहाँ पे न्यूट्रल है। तो थिंग्स अगेन अगेन आई कीप ऑन रिपीटिंग, रेपिटेटिव स्टडी इज द की, ओके बार 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 वही चीज घुमाते रहो, ओके तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ वी कम टू, ये चीज हो चुकी है अभी, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थिंग, एंड देन वी कैन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, टू चार्जेस क्यू एंड क्यू आर फिक्स पॉइंट सी एंड डी, यहाँ पर देर आर टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट सी एंड डी अलोंग द लाइन, फिक्स्ड लाइन सी एंड डी, पॉइंट सी एंड डी, लाइन ए बी इज द बाइसेक्टर ऑफ सी एंड डी, अ थर्ड चार्ज प्लस क्यू इज मूव फ्रॉम ए टू बी, थर्ड के चार्ज ऐसे मूव कर रहे हैं।
देन फ्रॉम बी टू सी, तो ऐसे जाने वाला है, फिर पहले ए टू बी जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है। फ्रॉम ए टू बी, ओके, इज दिस चार्ज अनस्टेबल और स्टेबल? अनस्टेबल क्यों? It will be repelled, मतलब वो भागने की कोशिश करेगा उधर से। ओके, यस। सो अगर कोई भी पॉइंट पे रखते हैं तो कैन आई से, या तो बराबर है आपकी बात गौतम, आप सोचना सही है, क्या मैं दूसरी एक तरीके से सोच सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में, कि अगर मैं आपको बताऊं कि, क्योंकि आंसर देखो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में भी है। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर यहाँ पर है आपको मालूम है अनस्टेबल होने वाला है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, बराबर क्या? यस सर। अभी मुझे आप एक बात बताओ, ए पे जब वो चार्ज था पोटेंशियल एनर्जी कितना था? के क्यू बाई दिस हाइपोटेन्यूस, के क्यू बाई दिस हाइपोटेन्यूस। अरे सही था क्या? पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू बाई आर। और जब बी पे आया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया ना मेरा बच्चा? अरे यार बोलो ना, ये डिस्टेंस कम है ना, ये हाइपोटेन्यूस बड़ा है ना, यार इसको बोलता हूँ मैं आर और आर डैश। ठीक है ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? कम हुआ नहीं, बढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। हाँ तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है, मतलब ये डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, मतलब अनस्टेबल ही है, बराबर है आपके पास, सॉरी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? के क्यू वन क्यू टू बाय आर। Can I say as we approach B, PE will क्या increase? बराबर क्या? So from A to B electrostatic potential energy will increase. सही है क्या? Yes sir. Hello. मतलब charge Q जो है वो unstable equilibrium में, अगर वहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि अनस्टेबल है, बराबर थी आपकी बात, सही है। बी टू सी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के साथ में क्या हुआ? अभी बी टू सी बी टू सी अगर मैं जा रहा हूं, तो अगर क्या बोले, बी टू सी जाना है ना उसको, इंक्रीज A to B का काम हो गया, B to C potential will increase, potential will decrease. Okay. CD. देखो यहां पर अगर चार्ज था, मेरी बात सुनो, यहां पर अगर मैं चार्ज रखू तो कैन आई से नेट फोर्स जीरो है? अरे इधर से मार रहे हैं, इधर से मार रहे हैं, जीरो हुआ कि नहीं? नेट फोर्स जीरो हुआ, मगर इधर आ गया वो, किधर से जा रहा है वो? बी टू सी जा रहा है, देन फ्रॉम बी टू सी, इट इज गोइंग फ्रॉम बी टू सी, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर अगर चार्ज है तो डोमिनेंट फोर्स कौन सा है? ऐसे ना, जिसका चार्ज, हाँ सी वाला फोर्स। कैन आई से इट इज ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन? हेलो यस सर। अरे भाई देखो मेरी बात सुनो, ये देखो ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, बीच में चार्ज को रखा तो इसने फोर्स दिया, इसने फोर्स दिया, नेट फोर्स को जीरो कर दिया, बराबर क्या? अब वो इधर आ रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में आ रहा है मेरी बात क्या बोल रहा हूँ? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ना, क्या हो रहा है, कौन सा डिस्टेंस है, क्या है, कुछ पता नहीं है, वो डिस्टेंस ही पता नहीं है मेरे को। ओके,
यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर चार्ज अगर होगा तो हमको मालूम है कि ये डिस्टेंस छोटा है तो ये डोमिनेंट फोर्स होगा। हेलो, तो नेट फोर्स इधर बनेगा ना, नेट फोर्स अगर इधर बनेगा मतलब यहां पे नेट फोर्स यहां पर बनेगा मतलब विच इक्विलिब्रियम इट इज, दिस इज स्टेबल पोजिशन ना। ओके, कैन आई से पोटेंशियल एनर्जी एट बी विल बी मिनिमम एट बी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम ना, स्टेबल है तो भाई। यस सर, तो कोई भी दूसरी बाजू जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज ना, मिनिमम है मतलब क्या, दूसरी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, सो फ्रॉम बी टू सी ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, गेटिंग इट। या तो दूसरा तरीका ये है कि आप नंबर ले लो, इसको आप टू टू पकड़ो और फिर यहां पर चले जाओ तो फिर नंबर एक का बड़ा दूसरे का कम कर दो, यू कैन सी द नंबर व्हाट इज हैपनिंग, यस और नो। ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, कोई इशू नहीं, बट यहाँ पर दोनों पर्सपेक्टिव से हमने देख लिया, एक पोटेंशियल एनर्जी एक फोर्स के पर्सपेक्टिव से, ताकि हमको समझ लेना। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 11 पर आता है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स हायर पोटेंशियल रीजन ऑफ वी टू फ्रॉम लोअर पोटेंशियल रीजन वी वन, द वेलोसिटी विल, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, ये भी मालूम है मेरे को। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक जा रहा है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, हेलो, एक काम करते हैं इसको V2 V1 पकड़ता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेगा ना, क्वेश्चन में ऐसे दिया है भाई। हेलो, इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग एंटर्स इन अ हायर पोटेंशियल रीजन फ्रॉम अ लोअर पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, सही है क्या? Yes, क्या होगा बोलो, वेलोसिटी बढ़ेगा कम होगा, हमको मालूम है फोर्स इसके ऊपर ऐसे ही लगने वाला है, वेलोसिटी इधर कम है इधर ज्यादा है, obviously v double dash will become equal to greater than v, बोलो, yes sir, will change in direction but not in magnitude, नहीं कुछ नहीं होगा, will not change the direction of the field, will not change in direction perpendicular to the, मगर यार मालूम नहीं है ना मेरे को कि इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में चल रहा है इनिशियली, मालूम है क्या? हेलो, इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका, दिया है क्या? हेलो, सिर्फ मैं यही बता सकता हूँ, विल चेंज इन डायरेक्शन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड, क्या बोल सकते हो? इनिशियल वेलोसिटी अगर हुआ तो चेंज करेगा ना डायरेक्शन, पैराबोलिक मोशन आएगा ना ग्रेविटी की तरह। अरे भाई ये सिर्फ वैलिड कब है, यू जीरो है इसका, बोलो। यस सर, मालूम नहीं है ना U0 है कि U0 नहीं है, तो आप कैसे बता सकते हो? Samsung option D. D की बात कर रहा हूं मैं, will not change in direction. आप इतने पक्के कैसे हो कि आप बता सकते हो कि U0 था? U0 नहीं भी हो सकता है। But there's no force in that direction, right? So how can it? Obviously it will change. यार velocity suppose कोई भी दूसरे direction में जा रहा है, ऐसे हुआ तो क्या बोल सकते हो? Inner direction, अच्छा perpendicular to the field है। हाँ बराबर है, will not change in direction perpendicular to the field.
ये सही है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड है आगे लिखा है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो वो सही है, खाली विल नॉट चेंज इन डायरेक्शन इम्पॉसिबल नहीं है, बराबर है ठीक है। जस्ट जस्ट वेट, अभी यहाँ पर एक इश्यू आ गया, दो मिनट रुक जाओ खाली, एक मिनट दो मिनट रुक जाओ। ओके ठीक है, तुम लोगों का कैपेसिटर्स का टेस्ट है आज। सम पीपल थिंक दैट फुल चैप्टर का है, फुल पोर्शन है, फुल पोर्शन नहीं है भाई, पार इन्फॉर्म किया था मैंने पहले। ओके पोर्शन नेक्स्ट वीक, नो ये तो हो चुका, अब हम लोग आते हैं फटाफट कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड की। Comprehension based questions. Question number one. A charged sphere of radius r carries a positive charge. उसका जो चार्ज डेंसिटी जो रो है वो रो नॉट वन माइनस छोटो आर बाय बड़ा आर, उसका ध्यान देना, अब ये इम्पोर्टेंट सम है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ये। ओके अज्यूम दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मांगता है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। दूसरा तरीका ये है कि आप गॉस थ्योरम लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, यहाँ पर जो है नॉन यूनिफॉर्मली फैला हुआ है अंदर, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मतलब इट इज लाइक सीड्स ऑफ अ वाटरमेलन, बट सीड्स ऑफ अ वाटरमेलन आर एम्बेडेड नॉन यूनिफॉर्मली इनसाइड। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, गो टू एक्स एंड टेक डी एक्स, टेक दिस डीएक्स, बराबर क्या, यस सर, गो टू एक्स एंड टेक डीएक्स, ओके। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस पार्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डीवी कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था 4 पाई एक्स स्क्वायर डीएक्स, ओके और ये बोल रहा है कि एट अ डिस्टेंस आर चाहिए मेरे को इनसाइड, मतलब आई डोंट वांट टू गो टिल कैपिटल आर, इंटीग्रेशन हमको जीरो टू कैपिटल आर नहीं करना, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एनी रैंडम आर करना है, सही है क्या, डिस्टेंस आर पे मांग रहा है, अगर वो पूरा आर मांगता तो पूरा आर करता हूँ, हेलो बोलो सही है क्या, हाँ ये चीज है। मैं एक काम करता हूँ, अलग अलग टुकड़ों में कैलकुलेट करता हूँ, कैन आई से क्यू इनसाइड,
from 0 to r will be, can I say, charge per unit volume into volume? Charge per unit volume kitna? Rho naught 1 minus r by r into volume of the element kya hai? 4 pi r square dr kar sakta hai, because yahan pe variable jo hai wo chota aa raha hai, x nahi hai, aur ye ho jayega 0 se leke r tak, sahi hai kya? Yes sir. अगर मेरे को जीरो से पूरा बड़ा आर तक चाहिए तो जीरो से बड़ा आर तक कर दो, वो आगे के सम्स में आएगा. तो इसका इंटीग्रेट मारो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? रो फोर पाई रो नॉट आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बाय आर डी आर इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू आर. फोर पाई रो नॉट आर क्यूब बाई थ्री माइनस आर फोर बाय फोर आर. जीरो टू आर डाल ही दिया मैंने, तो ये मिला क्यू इनक्लोज्ड या क्यू इनसाइड फ्रॉम जीरो टू आर. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. ये आता है एग्जामिनेशन में, मार्क करना है इसको, इंपॉर्टेंट है ये. नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाले एडवांस तक पूछे जाते हैं, ठीक है? ये चीज सही है. अब क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड मांगता है. इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस आर इज के क्यू बाय आर स्क्वायर. हेलो भाई, या तो इसके अंदर भी पुट कर सकता हूं मैं, वेयर डीएस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर. गॉसियन सरफेस इज 4 पाई आर स्क्वायर ना, मालूम है ना? ये भी कर सकते हैं, या तो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करता हूं. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बिकम के क्यू इन साइड बाय आर स्क्वायर, वही आएगा वो के क्यू इनक्लोज कितना है, ये पूरा 4 पाई रो नॉट आर क्यूब बाई थ्री माइनस आर फोर बाई फोर आर बाई आर स्क्वायर. अच्छा, के को लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये कुछ मिला यार, फ्रॉम जीरो टू आर, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, ये मिल गया. तो रो नॉट बाय क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाय. अच्छा, r स्क्वायर से अगर डिवाइड मारेंगे इंडिविजुअली तो r स्क्वायर और r क्यूब क्या बन जाएगा? r बन जाएगा और ये r स्क्वायर बन जाएगा, सही है क्या? यस सर. ये तो हो गया ना आंसर, क्या आता है देख लो यार. ये आएगा ना, a ही आएगा ना, a आ जाएगा. सॉरी. अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? The magnitude of electric field of function at a distance of r outside the ball. तो उसके अंदर चार्ज इंक्लोज जो रहेगा वो पूरा जीरो टू आर तक भरा हुआ रहेगा, बिकॉज बाहर के चाहिए. बाहर के लिए क्या होगा कि ये पूरा चार्ज एक्ट करेगा ना बेटा, पूरा चार्ज एक्ट करेगा ना. हेलो. Yes, sir. जितना अंदर पूरा भरा हुआ है वो चार्ज पूरा एक्ट करेगा. तो कैन यू टेल मी इंटीग्रेशन कैसे होगा फिर क्यू के लिए? सबसे पहले Q टोटल निकालना पड़ेगा, Q इनक्लोज निकालना पड़ेगा. कैसे करेंगे बेटा? आपको मालूम है 0 टू R बराबर क्या? ये क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर dr इनटू रो नॉट 1 माइनस R बाय R. ये मिला कि नहीं? ऐसे आएगा? अरे अभी तो किया था थोड़ा सी. तो ये रिजल्ट जो आएगा आपको, आपको मालूम है क्या रिजल्ट आने वाला है? बोलो यार. 4 पाई रो नॉट बाहर हो गया, ये क्या हो गया? r क्यूब बाई थ्री, मतलब बड़ो r क्यूब बाई थ्री. और फिर क्या होगा? r 4 बाई 4, दैट इज r 4 बाई 4 r. ये सही है क्या? Yes, sir. तो 4 पाई रो नॉट r क्यूब बाई थ्री माइनस r क्यूब बाई 4 कितना होता है? ये 4 पाई रो नॉट R cube by 12 हो गया, that is 3. तो ये बना rho naught pi R cube by 3 बराबर क्या? Yes, 0 to R. सही है. अब E का फॉर्मूला चाहिए. E at outside, E will become K Q. K को लिखो 1/4 pi epsilon naught. Q की जगह ये लिखो rho naught pi R cube 3 by R square ना. भाई बोलो.
Yes or no? Yes, sir. रो नॉट आर क्यूब, हाँ ठीक है, सही है क्या? मतलब खाली आपको फॉर्मुलेट, गॉस थ्योरम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। थर्ड वाला क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। ओके, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, बाहर बाहर At which electric field is maximum. Electric field का formula पीछे कितना आया था? ये जो आया था ना, किधर गया? ये वाला. Rho naught pi r cube by. ये था क्या? हाँ, rho naught ये आया था. ये था क्या? Hello. Can I say अगर इसको max होना है तो उसका derivative with respect to r zero होना चाहिए? अरे यार बोलो ना. Yes sir. So DE by DR should become zero. That is D by DR of E. कितना मिला था मेरे को? E कितना मिला? अच्छा E बेटा बाहर जीरो होगा कि अंदर जीरो होगा? बाहर तो इट इज इनवर्स टू आर स्क्वायर, तो मेरे हिसाब से तो बाहर जीरो नहीं, बाहर मिनिमम, बाहर मैक्सिमा नहीं हो सकता है। बाहर तो कंटिन्यूसली इट इज डिक्रीजिंग ना, बिकॉज आर जैसे बढ़ेगा वैसे ये तो कम ही होता जाएगा। क्या बोलते हो? लॉजिकली अगर आप सोचने जाते हो तो अंदर जीरो होगा ना किधर पॉइंट पे? अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? ये था ना, किधर गया? ये वाला। हेलो, बराबर है क्या? Yes, sir. तो मतलब ये इसको इंटीग्रेट करना है, बाहर वाले को इंटीग्रेट नहीं कर सकता। तो ये जो आएगा रो बाई थ्री आर बाई थ्री, ये वाला जो फंक्शन है ना, ये मैक्सिमम होना है ना। तो इसका डेरिवेटिव निकालने का, दैट इज व्हाट, रो नॉट बाई थ्री R by 3 minus R square by 4R has to become zero. Hello, hello, सही है ना? Yes sir. बोलो क्या हो जाएगा जल्दी, इसका derivative निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जल्दी बोलो यार। ये भी वैसे ही चला गया है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो आगे। 1/3 minus R by 2R. R by 2R. Can I write this like this? R by 3 अंदर होता है, सही है क्या? Yes sir. चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The maximum electric field. हाँ एक काम करो अभी, 2R by 3 जो है वो main formula में substitute मारो। अरे 2R by 3 मिलेगा, दिस इज इनसाइड है। कौन से फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे? E वाला जो था रो नॉट by 3 R by 3 minus R square by 4R, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ना मैं। यस और नो? यस। E कितना हो जाएगा? रो नॉट by 3, ये हो जाएगा 2R by 9 minus 4R square by 9 into 4R, सही है क्या? हेलो, यस सर। कितना होगा? सही क्या? क्या हो रहा है? सर दैट्स नॉट 3, दैट्स एप्सिलॉन। ओह सॉरी, दैट्स 3। सही क्या?
हेलो बोलो यार, क्लियर है क्या? हेलो हेलो हेलो, क्लियर है है भाई? ऐसा। बी है। ठीक है, नाउ बी बोथ क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 8। ये 5 और 7 है, कर लेना। खाली बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, वो वाला है। अरे वो चार्ज अंदर रखते हैं बाहर रखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर जो है ना, VA-VB, उसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो, देख लेना तुम लोग। देखो ना, VA3AB VA, ये आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अभी टाइप के सम्स किए हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 8 पर आता है, 8 to 10 है। टू इक्वल पॉइंट चार्जेस 8 आर फिक्स्ड एट पॉइंट 2 और -2। अनदर चार्ज क्यू विथ मास एम ऑफ कितना केजी है? जो भी केजी है, देखो जो भी मिलीग्राम है, मिलीग्राम है क्या? क्या क्या लिखा है उसने? इज रिलीज फ्रॉम 0, 0, यहाँ पे एक चार्ज है, मास एम है, इसके रिलीज फ्रॉम 0.1 मीटर। बोलो सही होगा, एट टाइम जीरो। सही, इट यस इज ऑब्जर्व दैट क्यू विल ऑसिलेट इन SHM, बराबर है, अबाउट द ओरिजिन। ओके, क्यू विल ऑसिलेट अबाउट द ओरिजिन। अच्छा, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज ही होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो भगा देगा उसको दूर। अरे भाई, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये तो खींचेगा ना ये। हेलो, ये फोर्स है ना यहाँ पर, तो ये तो नेट फोर्स बनेगा ना इधर। नेट रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ना भाई। हेलो, ये सुन, हुआ तो बाहर भाग जाएगा पॉजिटिव, मतलब ये नेगेटिव है, मतलब आंसर ये बी सी है, ए बी सी में से कुछ है। वो ठीक है, वो तो समझने वाली बात है, ऐसे चेंज करेगा नहीं वो जनरली। कहना इसे अगर ये एफ है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 2f cos थीटा, और 2f sin थीटा ने तो उड़ा दिया। सही है क्या? अब मेरे को वैल्यू मांगता है, यहाँ पर वैल्यू निकालना पड़ेगा। पूछा गया आपको, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू इज 9 × 10⁻³। मींस इनडायरेक्टली कैन आई से 2f cos थीटा इज द नेट फोर्स व्हिच इज एक्सपीरियंस्ड बाय। हेलो, सो 2f cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट सर? 9 × 10⁻³। बोलो सही है क्या? 2f sin थीटा ने तो उड़ा दिया एक दूसरे को। चलो एफ का वैल्यू लिखते हैं। एफ का वैल्यू क्या है? एफ का वैल्यू कितना है? ठीक Q1 Q2। सही क्या? इसको लिख सकते हो बड़ो क्यू छोटो क्यू बाय ये एक्स है, वाई है, तो ये हो जाएगा √x² + y² द होल स्क्वायर, बराबर क्या? एंड कॉस थीटा को कैसे लिख सकता हूं मैं? सही है। हेलो, ये कर चुके हैं पहले भी। हेलो, टू एफ कॉस थीटा है ना, एक का दो और एफ। हाँ, y is too come to y, sorry, बराबर क्या? ये लिखा जाएगा y upon -3। सही है, हो गया। हेलो, यस कैन आई से, कैन आई रिमूव
y cube outside या x cube? x cube अगर बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, सही क्या? हेलो हाँ ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं टू के क्यू क्यू वाई, इसको कह रहे हैं इसे एक्स क्यूब अगर मैं बाहर निकाल दूं तो ये हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर रेज़ टू थ्री बाई टू, ऐसे कुछ है क्या? हेलो yes, तो क्यों कर रहे हो सर, सीधा वैल्यू डालो ना, क्या ये सब कर रहे हो? मेरे को मालूम है वाई बाई एक्स बहुत छोटा हो जाएगा, बिकॉज देखो ये एक्स का वैल्यू टू है और इसका वैल्यू पॉइंट वन है. हेलो yes, तो उसको निग्लेक्ट कर सकते हो क्या वाई बाई एक्स को? हेलो सही है क्या? हाँ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर निग्लेक्ट. बहुत छोटा है ना यार ये, तो उसको उड़ा ही दो ना, क्या है ये सब टेंशन लेना है, बिकॉज बाइनोमियल है, बात सही है आपकी. तो पहले दो टर्म लेके भी पहला सेकंड टर्म तो उड़ने ही वाला है, वैसे भी बहुत छोटा है. आपकी बात एकदम सही थी कि रूल के मुताबिक अपॉन एक्स क्यूब is 9 into 10 raised to minus 3. ये 9 into 10 raised to 9 हुआ. Q is 8 micro. छोटो Q मालूम नहीं है. Y कितना दिया है? 0.1 है. And 2 cube इता है 8. is 9 into 10 raised to minus 3. यहां से छोटा Q मिल जाएगा? बोलो. Yes, sir. निकाल लो ना यार जल्दी, दो मिनट. 8 और 8 वैसे ही उड़ा देगा, निकालो ना फटाफट क्या होता है. क्या वैल्यू देखना यार, खाली नंबर देखो ना, मैं क्या क्या कर रहे हो यार ऐसे. 9 टू 18, ये 9 भी उड़ गया, सही क्या? हेलो ये 2 नीचे जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 5 नंबर ही आया ना. हेलो अरे भाई देखो यार, तुमने दूसरा कुछ नंबर देखो, सब कैंसिल हो गया, ये बना 1/2, 1/2 मतलब 5 नंबर आएगा ना. और नेगेटिव चार्ज है वो तो मालूम ही है, मतलब एसएचएम परफॉर्म ही नहीं करेगा वो. Amplitude of simple harmonic motion. क्या बोलते हैं? Amplitude कितना रहेगा? अरे जहां से आया है वो mean है ना, बीच में वाला. कहां से छोड़ा गया है वो? 0.1 मीटर से. 0.1 मीटर के अक्रॉस ऐसे ऐसे करेगा ना वो. Yes, sir. ये देखो यहां से छोड़ा गया है ना, तो ये उसका एक्सट्रीम हुआ कि नहीं हुआ? रेस्ट पर तो एक्सट्रीम से छोड़ते ना हम लोग, ये 0.1 हुआ, ये 10 सेंटीमीटर ही तो हो गया. सिंपल बात है. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एफ इज माइनस के एक्स का रिलेशन जो निकालना पड़ेगा. के का वैल्यू कितना आया था वो देखना पड़ेगा. स्प्रिंग कांस्टेंट यहां पर जो के का वैल्यू मिला था, देखो एफ का वैल्यू कितना मिला था मेरे को स्टार्ट में, अगर आपने निकाला रहेगा तो. मैंने क्या निकाला था? के टू बड़ो क्यू छोटो क्यू बाय वाई
अपॉन ए क्यूब, ये निकाला था। अरे भाई बोलो। यस सर। एंड दिस वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो माइनस। कैन आई से एफ इज माइनस के एक्स? नहीं सर, नहीं नहीं, सब भूल जाते हैं हम लोग सर। तो के मिल गया, के को एम ओमेगा स्क्वायर करें और फिर आंसर मिल जाएगा। तो कैन आई से एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के इनटू 2 बड़ो क्यू छोटो क्यू बाय ए क्यूब। एम नीचे आ जाएगा तो ओमेगा विल बिकम इक्वल टू रूट ऑफ के 2 क्यू क्यू बाय ए क्यूब इनटू एम। ओमेगा इज 2 पाई तो एफ विल बिकम 1/2 पाई। वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? हेलो। यस सर। क्योंकि ये मेन इक्वेशन है ना मेरा, ये पहचान है, याद है ना, आइडेंटिटी। इसका आइडेंटिटी है, आइडेंटिकल इक्वेशन जो है वो तो मालूम होना चाहिए ना, या तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन मालूम होना चाहिए, वरना आप नहीं कर पाए। उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा जो भी है। आप वैल्यू डाल देना, आंसर आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द केस in which it happens, okay? एक समय कर दो, इंपॉर्टेंट समय, अगर उसमें थोड़ा है ना टाइम लग जाएगा। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आता है, इट्स इम्पोर्टेंट, ध्यान देना, समझ लीजिएगा। 11-14 करेंगे बस, फिर बाद में थोड़ा सी होमवर्क देता हूँ मैं, थोड़ा करके आना एवरी टाइम। ओके, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट्स। Okay, listen. A thin non-conducting ring. Pay attention over here. In XY plane, यहाँ पर एक ring है, XY plane में रखा हुआ। With its axis along the z-axis, मालूम है वो बाहर निकल रहा है, z-axis में उसका axis निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। Center is the origin, बराबर क्या? Ring is charged such that it acquires a charge density lambda, lambda not cos theta. क्या मतलब क्या है? हाँ, all silver teacups. तो मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज बैठेगा? ये थीटा है ना बेटा, एनी रैंडम थीटा ये है। यानी इसे यहाँ पे चार्ज प्लस है। हेलो, कुछ बोलो बोलो कुछ। yes, हाँ. और थीटा जैसे 90 की तरफ जाता है वैसे कमजोर होता जाता है, कॉस थीटा कमजोर होता जाता है, कॉस जीरो मैक्स होता है ना, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा चार्ज है, यहाँ पे कम है, फिर यहाँ पे और कम है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यहाँ पे और कम है, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे चार्ज थोड़ा अच्छी तरीके से बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे फैलना शुरू करेगा, ऐसा कुछ है भाई? बोलो। यस सर। सेकेंड क्वाड्रेंट में चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कॉस 90 से कॉस 270 तक नेगेटिव रहेगा, बराबर क्या? अच्छा, कॉस 90 होता है जीरो और कॉस 180 होता है -1, मतलब फिर से बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर है ना। यस सर। तो मैथमेटिक्स, ओके, यू आर नोइंग बेटर, इसलिए ओके आता है आपको। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या बोलते हो? यहाँ पे फिर से कम होगा, सही है? यस सर। और फिर यहाँ पर भी फिर से बढ़ेगा,
बराबर क्या ऐसे कुछ है? Yes, सर ये तो सिखा दिया सर, अच्छी बात है। द चार्ज ऑन द रिंग इज एंगल इज मेड इन द एंटी क्लॉकवाइज सर। हाँ चार्ज ऑन द रिंग इज ओके। हाँ चार्ज ऑन द रिंग इज पॉजिटिव एवरीवेयर नेगेटिव एवरीवेयर, पॉजिटिव इन द थ्री फोर्थ पार्ट एंड नेगेटिव इन द वन फोर्थ पार्ट। टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज जीरो, क्या बोल सकते हो? यस टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज जीरो ना, सही है क्या? सबको मैच करेगा ना, बराबर है क्या? ठीक है साइन है फिर कॉस है फिर मतलब वो मैच कर जाएगा ना, इक्वल एंड ऑपोजिट ही तो है। देखो अगर आप देख सकते हो एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रिंग ओके। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है मेरे को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं एक्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग हो ठीक है, मैं क्या करता हूं रिमेंबर गो टू एक्स एंड टेक डी एक्स जब नॉन यूनिफॉर्म होता है, मगर यहां पर बोलते हैं गो टू थीटा एंड टेक डी थीटा एलिमेंट। ये जो चार्ज्ड एलिमेंट पकड़ा ना मैंने, सही है क्या? Yes. यहाँ पे गो टू एक्स एंड टेक डी एक्स नहीं कर सकते ना, कैसे करेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट्स है ना भाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है ही नहीं। हेलो तो क्या पढ़ाते रहते हैं यहां पर, कैन आई से दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस दैट रेडियली आउटवर्ड ना, और उसका डबल होने वाला है क्यों? ये डबल होने वाला है क्यों? क्योंकि उधर साइड पे भी नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब ऐसे जाएगा ना। हेलो बोलो। यस सर। या तो आप इंटीग्रेशन करो फ्रॉम 0 टू 2 पाई, या तो आप इंटीग्रेशन करो फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, नहीं माइनस सॉरी माइनस पाई टू प्लस पाई, या तो आप यहां से यहां तक इंटीग्रेट मारो, या तो आप पूरा इंटीग्रेशन मारो, वही एक चीज हो जाएगा। ये क्या है? सही क्या? ये भी इंटीग्रेशन है क्योंकि दैट विल कवर दिस साइड आल्सो एंड दैट साइड आल्सो। यस सर। ठीक है अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये थीटा तो ये भी थीटा, मेरे को तो सिर्फ ई एक्स मांगता है ना, and this will be DE. Can I say it is DE cos theta का integration? बोलो। Yes, sir. So EX will be integration from 0 to 2 pi. क्या बोल सकते हो DE cos theta? सही है क्या? Yes, sir. D क्या होगा? DE. D क्या होगा? एक मेरी बात सुनो, इसका डी क्यू कितना रहेगा? डी क्यू कितना रहेगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ, सही है? चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है? पीछे लैम्बडा दिया हुआ है, लैम्बडा नॉट कॉस थीटा, बराबर क्या? यस सर। इनटू इट्स लेंथ कितना है? आर डी थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट्स में पूरा खेल लेंगे, अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या हो गया? अच्छा ये इतना हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? डी कितना होगा? सही क्या? हेलो बोलो। यस सर। क्या आएगा? मतलब सिंपल है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, सिंपल चीज है।
ये क्या लिखा जाएगा, ex क्या लिखा जाएगा मेरी बात सुनो, 0 टू 2 पाई k lambda नॉट बाय r cos स्क्वायर थीटा d थीटा, सही है क्या? हेलो यस सर, cos स्क्वायर थीटा d थीटा मेरी बात सुनो, और कोई इंटीग्रेशन का चाह रहा है क्या? अगर मैं इस चीज को नेगेटिव पकड़ता हूँ, नेगेटिव के कारण इधर आता तो नेगेटिव चार्ज इधर ही होता ना बेटा, होता क्या नहीं होता? हेलो यस सर, मैंने 0 to 2 pi किया, एक तरीका ये है बराबर पूरा 0 to 2 pi लेने का, getting it? हेलो, दूसरा कोई तरीका है क्या? अगर मैं d सामने वाला और d इसका पकड़ू तो 2d हो जाएगा, और एक d इसके कारण है ना, ये बाहर वाले के कारण, और एक d इसके कारण है, तो ये हो जाएगा 2d। अरे कुछ बोलते नहीं हो यार तुम लोग, क्या कैसे करेंगे काम? तो उसमें इंटीग्रेशन कैसे, किधर से किधर तक करूंगा मैं? Twice of 0 to pi. माइनस पाई टू प्लस पाई, माइनस पाई बाय टू और प्लस पाई बाय टू, सही है क्या? बराबर क्या? हेलो, कैन आई डू वन थिंग? हेलो, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू का ट्वाइस करूं तो इंटीग्रेशन चलेगा क्या वो भी? अरे यार दूसरा मेथड बता रहा हूँ मैं यार, तुम लोग ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 टाइम्स ऑफ k लैम्डा नॉट बाय r cos स्क्वायर थीटा d थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, क्या ये सही है? यस सर, आप जैसे सोचना चाहते हो वैसे आप सोचो, चलो इसका इंटीग्रेशन करो, सब एक्सपर्ट लोग हैं, इसका इंटीग्रेशन करो फटाफट यार, आंसर बोलो मेरे को। कितना आता है? Lambda not by 4 epsilon not r, सही पूरा। इसका आंसर कितना है? cos square theta का इंटीग्रेशन कितना आया पूरा? pi r, ठीक है। so k is 1 upon 4 pi epsilon not r का r, ये pi r है, सही है क्या? तो लैम्डा नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर के आंसर मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। बोलो सही है? सही है। अब ये मिल गया, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लैम्डा नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर, बराबर क्या? हेलो, अच्छा ई वाई कौन सा कंपोनेंट है? ई वाई कौन सा कंपोनेंट है भाई? साइन। अच्छा साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम 0 टू पाई अगर करेंगे ना, साइन स्क्वायर थीटा आने वाला है, नहीं साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। देखो ना, इधर एक कॉस थीटा है और ये वाला साइन थीटा है। मेरी बात सुनो, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो अगर आप डी ई वाई इंटीग्रेट करने जाएंगे, ई वाई इंटीग्रेट करने जाएंगे फ्रॉम 0 टू 2 पाई, तो आप क्या बोलेंगे? इट विल बी डी ई साइन थीटा, बट डी के अंदर खुद के अंदर एक कॉस थीटा है। अरे यार बोलो ना तुम लोग, तो cos थीटा sin थीटा क्या ना मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 हो जाएगा sin 2 थीटा। यस सर, तो sin थीटा cos थीटा को मिलाएंगे तो क्या ना इट विल बी प्रोपोर्शनल टू sin 2 थीटा, एंड sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन ओवर इवन फंक्शन इज ऑलवेज 0, करके देख लेना, ठीक है? हेलो, ये आगे ईएमआई में पढ़ाया जाएगा, ये कौन सा है, एसी सर्किट में। ओके, मुझे कैसे याद है सर, आपको इतना अच्छा मैथ्स कैसे आता है भाई? वो उधर पढ़ाया गया है, इसके लिए मैंने याद कर लिया, ठीक है आप लोग कर लेना, ठीक है।
क्लियर है क्या? ये जीरो हो गया, मतलब ये नेट वैल्यू इसका जीरो हो गया, मतलब ई वाई का नेट वैल्यू कितना हो गया जीरो, तो कैन आई से ई नेट विल बी ई एक्स ओनली ना, हेलो यस सर, ये चीज सही है ध्यान रख लेना, वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, हाँ सर जीरो होगा बिकॉज़ वो उधर से जाएगा साइन टू ओमेगा टी में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, मतलब एक्सिस पे चाहिए बाहर, समझा गया, ये रिंग है ना इधर से, मतलब क्या ये कैन आई से एक्स वाई प्लेन है, ये जेड प्लेन है, ये जेड जेड एक्सिस है, सही है क्या, एक्स इधर किधर रहेगा, सही है ना, ये सेंटर हो गया, ये बोल रहा है इधर मांगता है एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे याद है वो रिंग का डेरिवेशन करते थे, यहाँ पे एक टुकड़ा पकड़ते थे, दिस इज आर, सही है क्या, हेलो दिस एंगल वाज अल्फा, बोलो यस सर, अब कहना इसे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस ऑपोजिट टुकड़े के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये नेट जो बनेगा वो इधर ही बनेगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी, ये डी बना, ये डी बना, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, कैन आई से ये हो जाएगा डी ई कॉस अल्फा और डी साइन अल्फा उड़ा देगा, हेलो बोलो, अरे भाई बोलो यस और नो, बट हाउ इज द रिजल्टेंट अलोंग जेड एक्सिस, व्हाई रिंग इज लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन ना, ऐसे और अगर ये ऊपर का टुकड़ा अगर आप पकड़ते हो तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है, ये आपको ये चाहिए ना, ये अलोंग द जेड एक्सिस क्यों आ रहा है, ये चाहिए क्या, ये बोल रहे हो, व्हाट इज द क्वेश्चन, सो बट इट्स नो जेड एक्सिस इन द ऑप्शंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ एक्स, एक मिनट नहीं होना चाहिए along the x axis, एक मिनट गलती हो रही है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, एक मिनट ये x है और ये y है, ओके और मेरे को मालूम है कि यहाँ पे प्लस है, माइनस माइनस प्लस equal charge distribution, sorry I went into another mode only, so okay can I say agar z axis mein lenge bahar ye x ye positive wala jitna produce karega negative wala utna cancel kar dega, z axis ki baat kar raha hu main bahar ki taraf, ye jo banayega wo ye banayega, ye jo niche wala banayega idhar banayega, to electric field along z axis zero hoga, sorry sahi hai kya,
मांग रहा नहीं है z एक्सिस बिकॉज वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल एंड ऑपोजिट है ना क्वाड्रेंट वाइज. तो ये जो पॉजिटिव बनाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला वो सेकंड क्वाड्रेंट वाला कैंसिल कर देगा, वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट वाला भी कैंसिल कर देगा. सही है बात. y एक्सिस में क्या ख्याल है? y एक्सिस में ये जो मेरे को मिला ई एक्स मिला था बराबर है एट द सेंटर, फील अलोंग एक्स एक्सिस के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अभी एक्स एक्सिस पे अगर मेरे को निकालने गए, सपोज इफ आई टेल यू दिस इज द एक्स एक्सिस, सपोज यहां से मैं बोलू दिस इज एक्स डिस्टेंस, दिस इज आर, कैन आई से टेक दिस टुकड़ा. इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर विल बिकम कितना हो जाएगा? 1/4πε0dq अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर क्या? हेलो ये सुनो, ये इसके कारण, ये dq के कारण इसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा. ये सही है. अब कैन आई से इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी क्यू की जगह क्या आएगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ लैम्बडा नॉट कॉस थीटा इनटू लेंथ इज कितना रहेगा? आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. हेलो ये तो किया था ना पहले ही हम लोगों ने किया था इन टर्म्स ऑफ थीटा दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट, बिकॉज इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो एंगल लेना पड़ेगा हम लोग. अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज ये नेगेटिव जो है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स आने वाला है ना, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो टूवर्ड्स आएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स आएगा. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे जाएगा, ये पॉजिटिव के कारण इधर है, नेगेटिव के कारण इसे एक बार देख लेते हैं. जस्ट ड्रॉ एवरीथिंग.
Electric field at a point at a distance x from the center of the ring. Y x plus minus minus plus x axis. हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस जीरो होता है बिकॉज जितना माइनस करेगा उतना प्लस करेगा उतना माइनस करेगा उतना प्लस करेगा वो उड़ा देगा दूसरे को. ठीक है तो एक्चुअली जेड वोंट बी जीरो पर अ पार्टिकल ऑन जेड एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग एक्स एक्सिस राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जाएगा तो ये इस तरफ है, ये उस तरफ है. आप कह रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जेड एक्सिस अलोंग द जेड एक्सिस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग द एक्स एक्सिस ऐसे बोल रहे हो है ना. Yes, sir. प्लस है ये इधर है माइनस है उधर है एक मिनट एक काम करते हैं बस मिलेगा बना कर देखता है जेड एक्सिस ही पकड़ते हैं ये वाई है ये प्लस माइनस माइनस प्लस इज प्लेस्ड ऑन द एक्स वाई प्लेन मतलब ऐसे रखा गया. या लुको भाई प्लीज पे अटेंशन हेलो ध्यान दो बेटा इधर प्लस माइनस माइनस प्लस चलेगा ये जेड एक्सिस है. कैन आई से भाई इधर इस पॉजिटिव जो रखा गया है ये पॉजिटिव जो रखा गया है देखो ये ऐसे है और ये एक्सेस है पास. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे रखा परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन और ये ऐसे. तो ये पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा विल बी टुवर्ड्स द विच एक्सेस ऐसे आएगा ना ये पॉजिटिव के कारण अगर मैं पॉजिटिव पकड़ता हूँ यहाँ पर कुछ भी विल बी टुवर्ड्स दिस एक्सिस वैसे ही ये पॉजिटिव विल बी टुवर्ड्स दिस एक्सिस और अगर नेगेटिव पकड़ता हूँ नेगेटिव का डायरेक्शन क्या रहेगा देखो ना ये ऐसे है रिंग है तो अगर पॉजिटिव लेंगे ये साइड पे तो वो इस तरफ आएगा ऐसे आएगा नेगेटिव लेंगे तो वो उसकी खुद की तरफ जाएगा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव.
पॉजिटिव लेंगे तो ऐसे जाएगा, नेगेटिव लेंगे तो ऐसे जाएगा। ठीक है, पेंडिंग रखते हैं सब, मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। ठीक है ना? यस सर। चलो तो ये 14th वाला सब नेक्स्ट टाइम करेंगे हम लोग, बाकी विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। चलो ठीक है, थैंक यू, ठीक है, बाय सर, थैंक यू।